पीलीभीत के बीसलपुर का ये मोहल्ला दुबे है, जहां कल तक होली का हुड़दंग दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मातमी सन्नाटा पसरा है। एक घर की तरफ लोग दौड़े जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माजरा क्या है। दरअसल ये घर कमल जोशी का है, जिसने सूदखोरों से तंग आकर एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने पूरे परिवार को गमों के पहाड़ों के तले दबा दिया। पीड़ित परिवार की माने तो रिंकू नाम के शख्स से कमल ने उधार पैसे लिए थे, जिनको वापस लेने के लिए कमल के आधार कार्ड पर 40,000 का लोन करवाया और फिर सारे पैसे अपने पास रख लिए। इसके अलावा रिंकू का ATM पासबुक भी सूदखोर रिंकू ने अपने ही पास रख लिया। लोन की किश्तें भी मृतक चला रहा था, लेकिन फिर भी दबाव बढ़ाया जा रहा था, जिससे तंग आकर कमल ने मौत को गले लगा लिया। 40,000 रुपया लिए थे लोन पे, उसकी 40,500 की किस्त आई थी जी। 2 रुपया रिंकू ने ले लिया। कौन रिंकू? पूरा नाम रिंकू दुबे जी। फिर क्या? 10% का ब्याज लिया जी। है इसके चक्कर में 5 किस्तें हमने जमा कर दें जी। तो भाई कल इन्हें कल भी मारा, परसों भी मारा। किसने मारा? रिंकू अब धर्मवीर इन्हें मारा। अब मार के जा कर या तो अपना मकान बेचो जी, या पैसा दो। मामले में सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की देखने को मिली है। घटना के 3 घंटे के बाद ही स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और न ही शव को फंदे से उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। परिवार के लोग सदमे में हैं, वहीं स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। कितनी इनका क्या हुआ है? कुंडे पे लटक गए, फांसी लगा ली, 3 घंटे हो गए, पुलिस अभी तक नहीं आई। 3-4 बार फोन करो, अभी तक लटके हैं। तो अभी भी लटके हैं? हाँ। किसी ने उतारा नहीं? ना। क्यों? पुलिस पे फोन करो, एक बार भी आई ना। लोगों की माने तो पुलिस की लापरवाही भी मामले में दिख रही है और सूदखोरों की दबंगई भी। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा कहना मुश्किल है। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।